स्वागत है आपका अपने चैनल में। एडमिशन प्रोसेस जो है वो कई यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, उसी को देखते हुए जो है वो छात्रवृत्ति संबंधी एक सर्कुलर आया हुआ, और ये सर्कुलर जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, मतलब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये गया सर्कुलर। ये प्रवदीक टेक्निकल इंस्टीट्यूट को गया, सचिव प्रवदीक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परिषद, कुल सचिव AKTU, कुल सचिव HBTU, कुल सचिव MMTU, और उसके बाद मतलब जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये सर्कुलर है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, आप लोग को स्कॉलरशिप के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं वो बदलाव मैं बता दूँ। और साथ ही इस सर्कुलर से एक चीज़ और निकल के आ रही है कि जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आपके फाइनल सारे हो जाएंगे, कब तक ये एक जो कंपलसरी कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के लिए कि इस डेट तक आपको रिजल्ट सारे देने ही हैं। और इससे एक बात भी लगभग पता चल रही है कि आखिर AKTU के अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल जो एकेडमिक कैलेंडर था उस हिसाब से एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे, वो तो बात पता चलेगा। तो मेन पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डेटा बेस में सम्मिलित होने संबंधी कार्रवाई जो 15 जुलाई से 20 अगस्त थी, अब उसको 30 अक्टूबर तक कर दिया गया। तो ये काम तो इंस्टीट्यूट का होता है, कॉलेज का होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी जिला द्वारा फीस का सत्यापन जो 16 से 30 अगस्त था उसे अब 11 नवंबर तक बढ़ा दिया गया, मतलब नवंबर तक बढ़ाए गए हैं। पिछला वक्त कल्याण अधिकारी के द्वारा 16 जुलाई से था 15 सितंबर तक, जिसे अब 18 नवंबर तक कर दिया गया। आप लोगों के काम की बात पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट होती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया 11th 12th को छोड़ करके 20 जुलाई से 20 नवंबर तक कर सकते हैं। तो जो एडमिशन है वो मैक्सिमम 30 अक्टूबर तक, हमेशा AKTU डेट देता है, AICTI की तरफ से एक डेट आती है 30 अक्टूबर तक, अभी नहीं है लेकिन आएगी। तो अक्टूबर मतलब 2 महीने का टाइम दिया गया, 20 जुलाई से 20 नवंबर तक आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है 2024-25 में, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं शिक्षण संस्थानों द्वारा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन की समझ प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर और समझ जो भी आपकी मार्कशीट है, आपका कास्ट प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड है, वो सारी चीज़ें आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा करनी होगी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं बता दूँ कि उन स्टूडेंट्स को आप अपना जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो उसकी हार्ड कॉपी और उसके साथ ही जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज सबमिट करनी पड़ेगी, और वहाँ से वो सारा चेक हो करके समाज कल्याण विभाग को जाता है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर छात्रवृत्ति आवेदन जो सत्यापित होगा वो कॉलेज वाले ही करेंगे, तो 20 नवंबर तक आपको सबमिट करना है और 15 सितंबर से 24 नवंबर तक कॉलेज को सत्यापित करके जो है वो आपके समाज कल्याण विभाग को दे देना है, सेंड कर देना। और इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार कमी होने से जो आपका छात्रवृत्ति है वो नहीं आती है। पॉइंट नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है कि रिजल्ट विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट आप 25 नवंबर तक अपलोड कर देंगे। तो मैंने भी बताया फेज़ 2 का रिजल्ट सितंबर में कोई नहीं आएगा, रिजल्ट अक्टूबर में ही आएगा, वो भी 15 अक्टूबर के बाद ही आएंगे, लेकिन यहाँ ये फैक्ट है कि 25 नवंबर के पहले रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर रिजल्ट आ जाते हैं और 15 सितंबर से फेज़ 2 के क्लासेस के लिए बोला जा रहा है, कई जगह स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उस हिसाब से अगर AKTU ने ये बोला है कि 25 दिसंबर से जनवरी में एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ामिनेशन के काफ़ी चांसेस हैं। और शायद सब कुछ ठीक रहा तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के एग्ज़ामिनेशन शायद साथ हो, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर में कहीं भी फेज़ 1 और फेज़ 2 का डिफरेंस नहीं दिख रहा, 1 वीक का डिफरेंस हो रहा, इससे ज़्यादा नहीं। राज्य से अगर आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है तो वो किया जाना है, तो PF पोर्टल में सत्यापन प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डेटा का विभाग द्वारा प्रदान किए गए बिंदुओं के आधार पर परीक्षण 25 से 5 दिसंबर के भी हो जाएगा। अगर कोई त्रुटि है तो अगर आपने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो संस्थान स्तर से अग्रसित फिर से किया जाएगा, तो 6 दिसंबर से 12 दिसंबर की डेट है। तो वही मैं कह रही हूँ, पहली बार में ही सब कुछ सही कर लीजिएगा, उसको बार बार एडिटिंग ना करना पड़े। शिक्षा संस्थाओं द्वारा छात्रों द्वारा संशोधित किए गए आवेदन का पात्र छात्रों द्वारा पुनः सत्यापित कर 6 दिसंबर से 15 दिसंबर की डेट है। राज्य NCC द्वारा स्क्रूटनी 16 दिसंबर, छात्रों द्वारा जो संदेह डेटा में संशोधित किए जाने की तिथि 24 दिसंबर है, मैक्सिमम है। राज्य NCC स्तर पर मांग 15 जनवरी तक आप कर सकते हैं, निदेशालय स्तर पर जन राशि आपको 20 जनवरी तक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें, ये पूरा जो PDF है 6 पेज का, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, और टेलीग्राम चैनल का
जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, संस्थान द्वारा वार्षिक परीक्षा पर दोनों सेमेस्टरों का परीक्षा पर ना निकालने की दशा में रिजल्ट नॉट ये डिक्लेयर का विकल्प चुनते हुए आवेदन अनुसरित किया जाएगा। ऐसे सभी छात्रों का डेटा संदेहात्मक श्रेणी में रहेगा। संस्था द्वारा समय सारणी पर संस्थागत डेटा को सही करने हेतु आवेदन में परीक्षा फल भर के निर्धारित समय में अग्रेषित करें। तो 25 नवंबर तक आप लोग की डेट है, उसके पहले जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें आपको डेटा जो है वो 24-25 का सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। विस्तृत अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये पूरा PDF ले सकते हैं। तो AKTV विद्यार्थियों के लिए लेटेस्ट अपडेट थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू very much।